जी का ऐसा होता है लाइफ में, क्योंकि वो जिस तरह के वॉशिंग पाउडर सेल्समैन हैं जो बिहार के हैं लेकिन कलकत्ता में रहते हैं और वॉशिंग पाउडर बेचते हैं घर घर जाके, तो जो कलकत्ता की भाभियाँ हैं, बोधियाँ हैं, उनसे उनके बहुत सारे अफेयर हैं। तो एक दिन जब वो जागते हैं तो उन्हें पता चलता है जो उनकी गन है वो सोने की हो गई है, और अब वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और अब ये ठीक होगा भी नहीं होगा, क्या होगा। तो वो जर्नी है पूरी इस फिल्म में, जिसमें आपको जो गुदगुदाएगी आपको, जो बहुत फ़नी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब मुझे इस फिल्म का आइडिया किसी ने बोला था तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मुझे भी लगा था कि यार ये शौक वैल्यू के नाम पे कहीं अश्लील फिल्म नहीं बन जाए, और क्या होगा है कितना क्या होता है, कई बार कॉन्सेप्ट चलो अच्छा भी हो जाए तो 15 मिनट में खुल जाता है कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप 2 घंटे की कहानी बतानी पड़ेगी आपको। लेकिन जब मैंने इस फिल्म की कहानी पढ़ी तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि राइटर डायरेक्टर्स ने एक इस तरह का कॉन्सेप्ट लिया जिसे आप इमीडिएटली कहेंगे कि अरे बाप रे ये क्यों हो रहा है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को लेकर भी इतनी इनोवेटिव, इतनी यूनिक और इतनी सरल और साफ कहानी लिखी, जिसमें बिल्कुल भी एक तो पहली बात कि पहली बार एक मेल को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, औरत को नहीं, औरत के खिलाफ कोई कॉन्डेसेंडिंग डायलॉग्स नहीं है, उस तरह की डबल मीनिंग है नहीं जिसे लोग इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा अडल्ट है। सेक्स कॉमेडी इसे लोग कह रहे थे तो हमने कहा भाई सेक्स कॉमेडी नहीं है, यूनिसेक्स कॉमेडी है, एडल्ट कॉमेडी टाइप का, अडल्ट क्योंकि इसका जॉनर अडल्ट है। अब हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं जिन्हें अडल्ट दिया जाता है उसके कंटेंट की वजह से, उसके सब्जेक्ट की वजह से, तो क्योंकि अब इस सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट इस लड़के की गन के बारे में, तो उसे एक अडल्ट कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है।